हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्रॉस स्टिच का एक और नई डिज़ाइन लेकर आ गई हूँ। आई होप आप लोग इस डिज़ाइन को भी पसंद करेंगे जैसे आप लोग मेरे पहले वाले डिज़ाइन को पसंद किए हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि क्रॉस स्टिच बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्रॉस स्टिच के जरिए आप किसी भी डिज़ाइन को ईजिली बना सकते हो। फिर भी अगर जो लोग बिगिनर्स हैं और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्रॉस स्टिच क्या है, क्रॉस स्टिच कैसे करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने अलग से वीडियो दे रखे हैं। सो आप उन वीडियो को चेक कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने प्लास्टिक कैनवास पर पिक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो दे रखे हैं। सो आप वीडियो को भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा ऐसे फ्लावर डिज़ाइन बनाए हैं, आप सभी इसे कम टाइम में ही बना सकोगे या फिर आप सिर्फ इस को भी बना सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है बनाने के बाद। आप इसको ऐसे कट आउट करके वॉल स्टिकर जैसे कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हो, वॉल पर चिपका सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक ही नेट पर बर्ड्स का डिज़ाइन भी बनाया है और इस वाले बर्ड्स डिज़ाइन का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है। और यहाँ पर भी मैं एक और डिज़ाइन बनाऊंगी ऐसे ही। आप ये एक ही नेट सेट पर छोटे छोटे से ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा बार्ड का डिज़ाइन बनाया था मैंने कुछ दिन पहले। सो उन वीडियो के लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगी, आप चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को काउंट करके दिखाऊंगी, मतलब बना के नहीं दिखाऊंगी। मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैंने इसे काउंट करके दिखाने के साथ साथ बनाते हुए भी दिखाया है। सो उन वीडियो को चेक करें। आज मैं आप लोगों को आइडिया दूंगी कि ऐसे कैसे काउंट करना है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं फोटो भी डालूंगी ताकि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से इसे काउंट करके बना सकते हो। और क्रॉस स्टिच मतलब काउंट करके बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए मैं इसे काउंट कर दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले मैं यहाँ बिल्कुल नीचे से ऊपर तक काउंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग सके इस वाले डिज़ाइन को बनाने में मेरा कितना नेट लगे है। तो चलिए इसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल निश्चित से काउंट करेंगे, हमें इसको काउंट करना है 1 2 3 ऐसे इसको काउंट करना है हमें इसको। सो आई होप आप लोगों को आइडिया लगेंगे कि इसे कैसे काउंट करना है अगर आप बिगिनर से। तो चलिए इसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल निश्चित तक यहाँ से आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक है 38। आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे जहाँ की यहाँ तक आया है हमारा। सो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 28 29 30 31 32 33 एंड देन यहाँ तो है 32। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से इसको काउंट करना है। मैंने बिल्कुल यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया है और यहाँ से भी बिल्कुल यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करा है मैंने, यहाँ से शुरू किया है मैंने। सो आप इसका आइडिया लेकर के इसे फिर से इसे काउंट कर बना सकते हो। ये फ्रेंड्स,